मोर्चा घटनेचा निषेध असो। मणिपूर मध्ये घडलेल्या घटनेचा निषेध संपूर्ण देशामध्ये सुरू असताना नागपूर शहरात जय भीम मित्र मंडळातर्फे कॅन्डल मार्च काढण्यात आली आणि हा संदेश देण्यात आला की आम्ही बाबासाहेबांची लेकरं आहोत, आम्ही न्यायासाठी लढतो, अत्याचार कोणावर झाला त्याची जात पाहून नाही। जय भीम, आज मणिपूर के जो घटना हुई थी उसके निषेध में जय भीम मित्र मंडल के तरफ से उत्तर नागपुर में कैंडल मोर्चा, ये छोटा सा मार्च रखा गया था। इस मार्च का उद्देश्य इतना था कि युवाओं के बीच में जनचेतना जाए और वो लोग न्याय के लिए खड़े हो कि कोई भी मणिपुर जैसी एक हैवानियत भारी घटना इस देश में कभी भी ना हो। क्या कोई आदिवासी समाज की महिला को इस तरीके से बिना कपड़ों के इस देश में घुमा सकता है? ये हमारा सबसे पहला सवाल है, एक आंबेडकरवादी होने के नाते और सबसे पहले तो मानवतावादी होने के नाते। इस देश में जहाँ पे संविधान जिंदा है वहाँ पे ऐसी हरकत होना ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये लोग ये नहीं देख रहे कि वो किस जाति की है, किस समाज की है, हम लोग देख रहे हैं कि ये मानवता के ऊपर में एक बहुत बड़ा घाव है जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया है। इसलिए यहाँ पे ये सारे युवा हजारों की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पे अपना आंदोलन के तौर पे, यहाँ पे उन्होंने अपने प्रदर्शन के तौर पे ये संदेश दिया कि कोई भी गुनहगार अगर वो ऐसी तरीके से हरकत करेगा, किसी भी महिला को बिना वस्त्र के ऐसे गंदे तरीके से पूरे देश में उसकी ख्याति करेगा, उसको बदनाम करेगा, तो उसके खिलाफ में आम्बेडकर चळवळ के लोग हमेशा खड़े रहेंगे और जिंदा तरीके से खड़े रहेंगे, संविधान लेके खड़े रहेंगे। यही हमारी उम्मीद आज इस प्रदर्शन से, कैंडल मार्च से हमने यहाँ से की है। हमारी बस इतनी ही मांग है कि जिनके भी साथ में ये चीज़ें हुई है उनको जस्टिस मिलना चाहिए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार अपनी गवर्नमेंट को पूछता हूँ कि क्यों हमेशा मतलब जो भी रेप करता है वो हमेशा बच जाता है, हमारे संविधान में हमें संविधानिक ढंग से क्यों नहीं पेश आता है उनके साथ में। मैं मतलब इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता जब हम लोग को ये परिस्थिति लानी पड़ेगी, उस समाज की महिलाओं को नग्न करके उनको गलत गलत जगह पे छू के सारे आदमी लोग अगर उनका जो है इस तरह से धिंडवड़ी काढत असेल तर त्याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट कोणतीच नाहीये। तर आम्ही जय भीम मित्र मंडळ मार्फत आणि नागपूर कडून ह्या सगळ्या गोष्टीचा निषेध करतो आणि ह्या गोष्टीसाठी आम्ही पूर्णपणे त्यांच्या सोबत आहोत। पुढेही कुठली लढाई लढायची राहिली तर आम्ही आमच्या मणिपूरच्या बहिणींसाठी, आम्ही नागपूरच्या सगळ्या पोरी उभे आहोत। आता जे मणिपूरमध्ये ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत, मणिपूरमध्ये दोन बायांची ढिंड काढली, उघडी नग्न करून त्यांची ढिंड काढली, त्या विरोधात आम्ही इथे नागपूरमध्ये नाही का निषेध म्हणजे जे रॅली काढलेली आहे, आम्ही मोर्चा काढला त्याविरुद्ध। आणि हे खूप अत्यंत चुकीची गोष्ट झाली त्यांच्यासोबत की त्या बायांवर ते तसे अत्याचार होत आहे। आता एकच व्हिडिओ आलेला आहे समोर, नाही असे 100 व्हिडिओ तिथे आहे, तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी तिथे स्टेटमेंट दिलं नॅशनल न्यूजवर की तिथे एकच नाही केस झाले, तिथं अजून 100 केस झालेले आहेत आणि त्याच्यावर काहीच ॲक्शन घेतलेलं नाही जात आहे। केंद्र सरकार पण चूक बसलेली आहे, त्यांनी काहीच ॲक्शन घेतलं नाही आणि तिथले जे मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंग यांनी काहीच ॲक्शन घेतलेली नाही आहे।